नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि GSTR 1, जो कि बहुत दिन से बंद था, अब खुला है, तो GSTR 1 का नील रिटर्न हम लोग कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप सबको तो पता ही होगा GSTR 1 का, जिसका जिसका 1.5 करोड़ का टर्नओवर है या उससे नीचे, अप टू 1.5 करोड़ या उससे नीचे, तो उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों का जो रिटर्न है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं GST1। तो जुलाई का ऑलरेडी सबमिट जो हो गया तो हो गया, अगर सितंबर का एक दफ़ा होगा, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर का दूसरा दफ़ा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को लॉगिन करना पड़ता है। तो लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड आ जाएगा आपका। और दोस्तों, डैशबोर्ड आने के बाद भी और एक किस्सा है कि आप ऑलरेडी क्वार्टरली फाइलिंग सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो अगर आप क्वार्टरली फाइल सिलेक्ट कर लिया है, तो अब आपको अगर जुलाई से सितंबर तक का जो होता है कि सेकंड क्वार्टर होता है, और उसके बाद थर्ड क्वार्टर आ गया आपका अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, फोर्थ क्वार्टर आ गया जनवरी फरवरी मार्च, तो अगर आप आपका फर्स्ट क्वार्टर का रिटर्न लगाने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर का तो होगा ही नहीं कि फर्स्ट क्वार्टर में GST आया ही नहीं था, तो सेकंड क्वार्टर का आप जब रिटर्न लगाने जा रहे हैं, तो जुलाई का ऑलरेडी हो गया है और उसमें आपको रिटर्न फिलिंग पीरियड जो है, इसमें जाके आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, शादी आपका वो होगा, आएगा GST R1 खुलेगा। और अगर आप दूसरा कुछ महीना सिलेक्ट कर दिया है, तो आपका GST R1 नहीं आएगा। तो इसका भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसमें जाके देखते हैं कि अगर आप आगे सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है। आगे सिलेक्ट करने से क्या होता है, आगे सिलेक्ट करने से GST R1 फ्रीज हो जाता है, ये फ्रीज हो जाता है। तो आपको करना पड़ता है, सितंबर सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद आपको जाना पड़ता है प्रिपेयर ऑनलाइन। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी वो कर चुका है, इसलिए सबमिटेड दिखा रहा है। तो हम आपको बता देते हैं स्टेप्स, फाइल नहीं किया हुआ है, ऐसे ही सबमिट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये होता है आपका GST R1 का वो टर्मिनल, खुल गया टर्मिनल। तब आपको क्या करना है, इसमें आके सब आपका नील है तो नील रिटर्न है, तो आपको अपने नील कर देना है, सब GST R1 जनरेट GST R1 समरी में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद समरी जनरेट होगा, उसके बाद ये इसको सिलेक्ट कीजिएगा, इसमें ओके करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा, डाटा रिफ़्रेश हो जाएगा, सबमिट रिक्वेस्ट ले लेगा, या फिर रिफ़्रेश कीजिएगा, रिफ़्रेश हो जाएगा, और रिफ़्रेश होने के बाद आपको सबमिट करना है, ख़त्म हो जाएगा, तब आपका रिटर्न दिखाएगा कि सबमिटेड है, तब आपको रिटर्न फाइल कर देना है। तो यहाँ पे आके फाइल रिटर्न, इसको एक्सेप्ट करके KVC के साथ फाइल कर दीजिएगा, OTP आएगा, OTP वेरिफिकेशन करेंगे, साथों साथ आपका रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा। ये OTP आ गया अपना, वेरीफाई कर दिया, उसी के साथ आपका रिटर्न वेरीफाई हो गया है और रिटर्न लग गया है, डाटा फ्रीज हो गया है, रिटर्न लग गया है। ऊपर भी एक मैसेज ब्लिंक हो रहा है कि आपका रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो गया है,
और स्टेटस भी आपका दिखाई दे रहा है फील्ड, इसका मतलब आपका रिटर्न पीरियड भी सितंबर है और स्टेटस भी फील्ड दिखा रहा है, आपका रिटर्न सक्सेसफुली फील्ड हो गया है दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।